आदाब सलाम सत श्री अकाल हेलो वेरी गुड मॉर्निंग एंड प्रातःकालीन नमस्कार एवरीवन। पर्यावरण और स्वास्थ्य जागरूकता के लिए प्रत्येक रविवार को प्लस जिस दिन छुट्टी रहती है भदोही साइकिलिंग क्लब की तरफ से एक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान साइकिल यात्रा निकलती है जो दूर दूर जाके लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का कार्य करती है। इससे पहले हम लोग की स्वास्थ्य जागरूकता अभियान साइकिल यात्रा नेपाल गई, बिहार गई, मध्य प्रदेश गई, उत्तर प्रदेश से करीब 2 दर्जन से अधिक जिलों में जाके भदोही साइकिलिंग क्लब ने लोगों को जागरूक करने का कार्य किया हुआ है। उसी सीक्वेंस में, उसी कड़ी में आज हम लोग की साइकिल यात्रा ज्ञानपुर मुख्यालय आई हुई है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं भदोही के लोकप्रिय जिलाधिकारी विशाल सिंह सर का कि उन्होंने हम लोग का प्रपोजल स्वीकार किया और हम लोग की स्वास्थ्य जागरूकता अभियान साइकिल यात्रा में आए। एक जोरदार तालियां डीएम साहब के लिए। सरलता, सज्जनता और विद्वता की प्रतिमूर्ति, सबके चहेते हर दिल अजीज, प्रभावशाली, धैर्यशाली, बुद्धिमान, गुणवान, विचारवान, निडर भदोही जिला के जिलाधिकारी सर, सुबह सुबह उठना शरीर के लिए कैसा है और हम लोग का भदोही साइकिलिंग क्लब का कार्य कैसा है? बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही प्रेरणादायक है ये देखना कितने छोटे छोटे बच्चों से लेकर के और इस उम्र तक के, ज्यादा उम्र तक के लोग जो हैं लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं और भदोही साइकिलिंग क्लब के द्वारा आप ना केवल साइकिलिंग को पॉपुलराइज कर रहे हैं बल्कि आप उसके साथ में जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता है उसके लिए भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सुबह उठकर वॉक करना, योग करना, साइकिलिंग करना, उससे क्या लाभ हो सकते हैं इसके बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और जो आने वाले समय का एक चैलेंज है क्लाइमेट चेंज, जिसका इम्पैक्ट हम लोग आज के दिन में अपने चारों तरफ देख रहे हैं, महसूस किया है। और अभी हम लगभग 1 महीने की कड़ी गर्मी से निकल के आए हैं और जो वेहिकुलर पोल्यूशन है उसकी वजह से किस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही, ये भी आज के छोटे बच्चे जिनको बाद में इस पृथ्वी पर रहना है, संभालना है, वो भी देख रहे हैं। तो हर प्रकार से एक बहुत ही युक्तियुक्त कार्य है ये। और आप लोगों के द्वारा जब ये मुझे पता चला था कि आप साइकिलिंग क्लब बनाया है और इस प्रकार से आप जागरूकता बढ़ा रहे, तभी मेरे हृदय में ये इच्छा आई थी कि कभी मैं भी आपके साथ साइकिलिंग करूँगा। आज मैं आपके साथ में जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप साधुवाद के पात्र हैं कि आप इस प्रकार से बहुत बढ़िया सामाजिक अवसरोकार के रूप में साइकिलिंग का यूज कर रहे हैं। और शीघ्र ही मैं, जैसा मैंने अभी कहा कि मैं भी साइकिलिंग करने के लिए उत्तेजित प्रेरित हुआ हूँ और मैं भी साइकिल खरीदूंगा और अपना साइकिलिंग। बहुत बढ़िया, थैंक यू। हाँ, जैसा कि जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि एक सर्वे के अनुसार अब हर साल 0.25 और 0.5 टेम्परेचर हर साल बढ़ता जाएगा, तो इसी तरह से टेम्परेचर बढ़ता रहा तो क्या आने वाले समय में ये मानव जीवन के लिए पृथ्वी पर रह पाना आसान होगा? ये बहुत ही कठिन होगा। तो इंसान करेंगे क्या कि इस गर्मी से बचने के लिए घर घर एसी लगाएंगे। जो घर घर एसी लगाएंगे तो उसका दुष्प्रभाव क्या पड़ेगा, तो टेम्परेचर और तेजी से बढ़ेगा। तो क्या ये पृथ्वी सिर्फ इंसानों के लिए है? जीव जंतु पक्षी लोग कहाँ जाएंगे? तो आने वाला समय बहुत ही दुखदायी होगा अगर हम आप अभी नहीं चेते सचेते, तो आने वाला समय मतलब कह लीजिए कि रहने लायक नहीं होगा। तो हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे तो जो आसपास का जो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का कार्य है वो साइकिल से करें और मोटरसाइकिल कार को अवॉइड करें और जितना अधिक से अधिक हो सके वृक्ष लगाएं, क्योंकि यही जो है, यही हमारे कार्य जो है आने वाले समय को आसान बना सकते हैं, नहीं तो आने वाला समय बहुत ही दुखदायी होगा। तो बात करते हैं गोपीगंज भदोही के मशहूर डॉक्टर, और कह लीजिए पूरे पूर्वांचल के वो इकलौते ऐसे डॉक्टर हैं जो अपनी दवा के लिए न कहकर आपको सुबह उठने के लिए कहते हैं, योग व्यायाम करने के लिए कहते हैं, कसरत करने के लिए कहते हैं। डॉक्टर का जॉब कहने को तो 8 घंटे 10 घंटे होता है, फिर हम लोग का जॉब है उसको नौकरी बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर के जॉब को नौकरी नहीं बोलते हैं, उसको सेवा बोलते हैं। तो उनकी सेवा 2400 घंटे है, अपने व्यस्त शेड्यूल में होके भी वो भदोही साइकिलिंग क्लब को अपना बहुमूल्य समय देते हैं और हम लोग के साथ हर जगह की यात्रा में भाग लेते हैं। तो एक जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए। अब बात करते हैं डॉक्टर एसएस यादव सर से। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। जैसा कि सर ने भी अभी बताया कि पर्यावरण के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम जो है अपने पर्यावरण को सेव करें। ये इतना पोल्यूशन गाड़ियों से जो निकलता है तो उससे जो है हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। और दूसरा सबसे जरूरी बात है कि जब हम साइकिलिंग करते हैं तो हमारी बॉडी के हर अंग का, पूरे सिस्टम का एक एक्सरसाइज होता है। तो अगर जैसे हम छोटे छोटे काम, मार्केट जाना है या कहीं कुछ करना है, तो वो अगर हम साइकिलिंग से करेंगे तो हमारी बॉडी भी तंदुरुस्त रहेगी। और जो हमारे आज के एनवायरनमेंट में मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर ये सब रहता है, तो वो भी हमारा जो है काफ़ी कंट्रोल रहेगा।
और दूसरा हमारा जो है पॉल्यूशन से हम बचे रहेंगे। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि अपना कुछ ना कुछ जो है समय इसमें दें। थैंक यू। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि जब बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे तो ये कहा जाता था कि बच्चे कल के भविष्य, तो हमको लगता था कि जब हम लोग बड़े होंगे तो हम लोग देश के भविष्य बनेंगे। लेकिन आज देश के भविष्य जो 30 साल 35 साल के हैं वो मोटापा से पीड़ित हैं, जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं, बीपी से पीड़ित हैं, शुगर से पीड़ित हैं। तो उसका एक ही रीजन है कि जितना उनके शरीर को व्यायाम करना चाहिए, उनके शरीर को जितना पसीना बहाना चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहे हैं। तो जिसका रीजन है कि सबसे पहले मोटापा पकड़ता है, उसका तमाम बीमारियां पकड़ रही है। तो अगर आप देश के युवा हैं और आपको लगता है कि आप अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपका स्वस्थ होना जरूरी है। आप सुबह उठें, कुछ ना कुछ योग व्यायाम करें, शरीर से पसीना बहाएं, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। बात करते हैं भदोही साइकिलिंग क्लब के प्रबंधक बेचन सिंह चाचा से। बेचन सिंह चाचा, जैसे दूर की यात्रा में साइकिल तो नहीं जा पाते, तो मोटरसाइकिल से ही जाते हैं। परम आदरणीय श्री विशाल सिंह जी, एक जिलाधिकारी भदोही संसद विलास नगर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारी टीम का हौसला बढ़ाया है। मैं आपके लिए आभार व्यक्त करते हूँ। हाँ, बात करते हैं बिरनई प्राथमिक विद्यालय के हेड मास्टर मास्टर मुश्ताक अहमद आलम सर से। पहले तो सभी लोगों को सुप्रभात। सुप्रभात। योगा कर्म सुकौशलम, कुशलता पूर्वक कर्म को करना ही योग है। और करो योग रहो निरोग योग कहा गया है, तो हर योग एक रोग से संबंधित है, इसलिए हम लोगों को प्रतिदिन कुछ न कुछ योग और आसन करना चाहिए। निद्रा या ये जो माइग्रेशन है, सर दर्द है, इसके लिए अगर हम शीर्षासन कर ले रहे हैं तो एक बार हमारा सर का सर्कुलेशन ब्लड का उधर हो जा रहा है अधिक से अधिक, और इससे हम इससे निजात पा सकते हैं। बैकबोन में या सर्वाइकल या पेट से संबंधित कोई संबंधित ऐसी समस्या है तो हम भुजंग आसन, चक्र आसन, धरुण आसन, इस प्रकार के आसनों को अगर करते हैं बहुत बढ़िया, थोड़ा थोड़ा तो हम अनेक प्रकार के रोगों से बच सकते हैं। इसलिए योग योग के लिए करना जरूरी है। करो योग, रहो निरोग। तो चलिए फिर चलते हैं, यहीं से अपनी साइकिल यात्रा का शुभारंभ करते हैं। आसपास का हम लोग भ्रमण करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे।